बिना कोई फूड कलर, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर का। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पौष्टिकता से भरपूर लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत हेल्दी बना है और इसे बनाने में बहुत मेहनत भी नहीं करनी है हमें और बहुत आसान तरीका है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि ये हमने लौकी का हलवा, जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत कम करता है और बहुत हेल्दी है, मैंने कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदि के फेवरेट चैनल वेज किचन पॉइंट में। तो यहाँ पे देखिए हमने मीडियम साइज का लौकी क्रश कर लिया है और 1 चम्मच घी में, ज्यादा घी हमने नहीं डाला है, सिर्फ 1 चम्मच घी में इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। बहुत ज्यादा भी घी हमने नहीं डाला है, अगर आपको ज्यादा घी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे इसका मॉइस्चर सूखने लगा है, पानी इसका कम होने लगा है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें 1 लीटर दूध डालूंगी और ये फुल क्रीम दूध है, तो मलाई के साथ मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें न तो कोई मैंने मावा एक्स्ट्रा यूज किया है न ही कोई मिल्क पाउडर, इसलिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। और 1 लीटर तक दूध को मैं धीरे धीरे करके डालते जाऊंगी और ये सूखते जाएगा, कम होते जाएगा। आप चाहें तो ये देखिए दूध हमारा अभी इतना बचा हुआ है तो पूरा मुझे नहीं डालना है, मैंने कोई एक्सेस घी भी नहीं डालना है। और ये जो लौकी होता है वो कोलेस्ट्रॉल में बहुत हेल्प करता है, तो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ज्यादा घी, आपको पसंद है तो ज्यादा घी में भून सकते हैं, मावा भी ऐड कर सकते हैं आप अपने टेस्ट अनुसार, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन इस तरह से हमारा ये अब सूख रहा है, ये जैसे जैसे गाढ़ा होते जाएगा तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, फिर नीचे में पकड़ने लगता है, तो जैसे गाढ़ा होगा तब आप नहीं छोड़िएगा। बाकी आप बीच में मीडियम आंच करके आप एक्स्ट्रा कुछ काम अपना किचन का निपटा सकते हैं। और देखिए मैंने इसमें कोई भी फूड कलर भी नहीं डाला है तो इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। फिर से मैं और दूध ऐड कर रही हूँ, इस तरह से कर करके मेरा हलवा अब गाढ़ा भी हो चुका है और ये पकने को तैयार है। जब आप दूध ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जब आप शुगर डालेंगे तब अपने आप इसका कलर चेंज होते जाएगा, और शुगर डालने के बाद से फिर से इसकी शाइन बढ़ जाती है। देखिए काफी सूख गया है, अब इस टाइम तो हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये पेंदी में तुरंत पकड़ लेगा और सारी मेहनत को ये खराब कर देगा। ये बन के अब ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, फिर कम आंच पे हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। तब तक मैं फ्रेश 8-10 इलायची कूट ली हूँ और ये थोड़ा सा काजू है और ये चीनी है, जिसमें से 3 बड़े चम्मच चीनी मैं ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं ऐड करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें शुगर नहीं लगता है, सिर्फ 3 चम्मच तक मैंने ऐड किया हुआ है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो अगर इलायची आपको पसंद है तो जरूर आप डालिएगा, नहीं पसंद है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए शुगर डालने के बाद सिर्फ इसे शाइन करने लगा है और ये थोड़ा सा इसकी लिक्विडिटी बढ़ गई है, लेकिन थोड़े कम आंच पे और इसको हम रखेंगे तो ये फिर से सूख जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया बन गया, एकदम लच्छेदार हमारा जो लौकी का हलवा है वो तैयार हो गया है। बच्चे अगर हरी सब्जी नहीं खाते हैं और मीठा कुछ खाना चाहते हैं तो आप इसको बना के रख सकते हैं फ्रिज में और इन्हें गर्म, किसी को अगर ठंडा पसंद है तो ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में तो ठंडा सही नहीं है। और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है खाने के बाद, जब हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है तो क्यों हम बाहर की चीजें खाएं, घर पे इतनी आसानी से उपलब्ध होने वाली लौकी भी हमारे घर में उपलब्ध रहती है, शुगर और दूध तो रहता ही रहता है। तो देखिए ये हमारा हलवा बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया है और आप इसे खुद भी खाइए, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप तो शॉप से मिठाई ना लेके आप इसे लेके जाएंगे, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा आपके हाथों का। और देखिए हमने थोड़ा इस पे गार्निश कर दिया है ऊपर से और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी
इतनी मीठी रेसिपी को खुद से बना के एंजॉय करें, अपने बच्चों को खिलाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार, मीठे, नमकीन नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।